अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तुम सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। करने वाले हम कौन होते हैं, हरफगीरी करने वाले मामू पार्टी। हम कौन होते हैं, एतराज करने वाले के नबी के जैसा हाई कोई नहीं। निकले तो तू तो शाही कोई नहीं। ये कहते हैं अगरचे मगरचे चूंके चनाचे, ये है वो है। मैं बगैर तू हजरत अम्मार इब्ने यासर का शान मुकाम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है ए अम्मार तुझे बागी गिरोह कत्ल करेगा। चूंकि अम्मार इब्ने यासर हजरत अली के लश्कर में थे तो मुकाबले में हजरत मुआविया का लश्कर था। जी 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 जी। तो नाउज बिल्ला इसका मतलब ये है कि हजरत मुआविया का लश्कर बागी लश्कर हुआ तो क्या यू आर ट्राइंग टू टीच योर प्रॉफिट, क्या आप नबी को खामोश करवाएंगे कि आपने आने वाले जंगों के बारे में जो कुछ ये कहा है आपको नहीं कहना चाहिए। फिर सुन लीजिए, रहमते कायनात ने ये भी फरमाया था जो जुबैर को मारेगा दोजखी है, जो तलहा को मारेगा वो दोजखी है। तलहा और जुबैर अशरा मुबशरा में से है। कातिल कौन है प्यारे मामू जान? हजरत अम्मार इब्ने यासर की मुकाम शान हमारे नजदीक मुसलमा है। हम उनकी अजमत को सल्यूट और सलाम करते हैं, उनकी रिफत और शान के कायल हैं। लेकिन ये अहलुस सुन्ना वल जमा का इत्तेफाक है कि अशरा मुबशरा की शान के मुताबिक इनके बराबर कोई सहाबी नहीं है। सहाबा इकराम की अजमत की बात बातें करना इनका सिर्फ एक घोसला था, वरना अगर ये लोग अमीर मुआविया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो अमीर मुआविया तो चीज ही कोई नहीं। अम्मार इब्ने यासर की कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है कि फिर लोग पूछेंगे कि किस रदी अल्लाह अन्हु ने, किस रदी अल्लाह अन्हु के कहने पर इस रदी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। ये वजह है पीछे। लोग कहते हैं जी कि आपने कह दिया करोड़ों मुआविया एक अम्मार के बराबर नहीं, इस पर रुजू करें। जी मैं रुजू करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी गलती माफ करे। खरबों खरबों मुआविया एक अम्मार के बराबर नहीं, और मैं मुस्लिम शरीफ से साबित करूंगा, बुखारी शरीफ से साबित करूंगा। यानी एक पाओ गंदम मेरे अब्दुल रहमान बिन औफ ने जो अल्लाह की राह में दी, खालिद बिन वलीद तुम और बाहर जितना सोना भी खराब कर दो तो उसके बराबर नहीं हो सकते। जाके सुपर कंप्यूटर करवा ले, रेशो प्रोपोर्शन निकाल लेना कीमत की, एक पाव गंदम की कीमत और 4.5 किलोमीटर पे फैले हुए ओहद पहाड़ जो चट पत्थरों का है उसके बराबर सोना कैलकुलेट करें। सर सोना तो एक तोला आजकल 1,15,000 तकरीबन हुआ है, चले मोटा करके 1 लाख भी लगा ले, इतना सा सोना 1 लाख का है। तो लाख का फर्क तो यही निकला है इतनी सी जगह पे, इतनी करोड़ों मुआविया पूरे हो जाएंगे और 4.5 किलोमीटर पे तो खरबों ने भाग खड़ो। और अली की तो बात ही नहीं हो रही, अली की कैसे बात होगी? अली का नाम लेना छोड़ दें आप, सर अली को कोई नहीं पहुंच। ये एक तीसरा गिरोह था जो इस गिरोह के दरमियान शामिल हो चुका था। ये सर किधरे भी नहीं मतलब, ये तो अभी कहानियां कराइया इन्होंने। जिस तरह हम हजरत तलहा हजरत जुबैर की शहादत को बुनियाद बना के हजरत अली पे एतराज नहीं करेंगे, इसी तरह हजरत अम्मार की शहादत को बुनियाद बना के हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात पे एतराज नहीं करेंगे। ओ मामियो मामू पार्टी क्लेम तुसी कीते ने कायद मामू पार्टी।